वहीं एयरलाइंस के किराए में बढ़ोतरी से पर्यटक उद्योग भी खतरे में आ चुका है। इसका खास असर केरल में देखने को मिल रहा है। राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाने वाला पर्यटन उद्योग मंदी की चपेट में आ गया है। नतीजा, पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई में कमी आ रही है। हवाई किराया बढ़ने से न केवल घरेलू एयरलाइंस के लिए यात्रियों की तादाद कम हुई है, बल्कि पर्यटन उद्योग भी मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में भला केरल कैसे बच सकता था? 2007-2008 में केरल में 5 लाख विदेशी सैलानी सैर सपाटे के लिए आए, जबकि 66 लाख घरेलू पर्यटकों ने केरल का रुख किया। मगर अब जब हवाई किराया बढ़ रहा है तो राज्य सरकार को सैलानियों की कमी की चिंता सता रही है। मोटे अनुमान के मुताबिक इस साल का आंकड़ा पिछले साल से भी कम हो सकता है। It's definitely a matter of concern because lots of people who would have preferred to come with a lower airline fare would perhaps be deferring the decisions. But last 3 months, our arrival figures have been better than what they were during the corresponding period. इसे देख केरल की सरकार अब सैलानियों को लुभाने के लिए और आक्रामक होती जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने खास योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने अप्रैल से सितंबर माह को ड्रीम सीजन के तौर पर मनाने की घोषणा की है, तो जल्द ही शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत करने जा रही है। इतना ही नहीं, बिजनेस ट्रेवलर्स और लेजर ट्रेवलर्स को आकर्षित करने के लिए ट्रेवल मार्ट शुरू किया जा रहा है। वहीं विदेशी सैलानियों को लुभाने के लिए याट की वोल्वो ओशन रेस का ठहराव केरल में होगा। सरकार के साथ साथ ट्रेवल एजेंसियां भी नए नए तरह के केरला पैकेज के साथ आने की योजना तैयार कर रही है। पैकेजेस में हम नॉर्मली कोशिश करते हैं एयरफेयर ना इंक्लूड करा जाए, उनमें साइट सीइंग और वो दे दें, क्योंकि उसमें फिर हम ऑल्टरनेटिवली जो आसपास जगहें हैं जहां पर हम शताब्दी से भी बंदे को भेज सकते हैं, तो वहां हम नॉर्मली बाय रेल या अदर मीन से भेजेंगे। पर्यटन उद्योग पर गिरी इस गाज का असर पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई पर भी देखने को मिल सकता है। विदेशी मुद्रा की कमाई में कमी आ सकती है तो देसी उद्योग को भी झटका लगना तय है। इससे पहले कि ये हो, अन्य राज्य सरकारें केरल से सबक ले सकती हैं। असीम मनचंदा, जी बिजनेस, दिल्ली। लेकिन फिलहाल तो समय हो गया एक ब्रेक का। जब ब्रेक का लौटेंगे तो ये देखिए क्या अखबारों की सुर्खियां।